बाबा सिद्दीकी साहब का इंतकाल हो गया है. बी स्ट्रॉन्ग एंड टेक रिवेंज. एजाज खान को आ गया है गुस्सा. बाबा सिद्दीकी की मौत पर भड़के हैं एजाज खान और जमकर सुनाई है खरी खोटी. यकीन नहीं हो रहा तो आप इस वीडियो को देखिए और सुनिए. बाबा सिद्दीकी साहब का इंतकाल हो गया है. अल्लाह उनको जन्नत में आला मकाम दे, उनकी मगफिरत करे और उनके घर वालों को सब्र जमील दे. किसान बी स्ट्रांग एंड टेक रिवेंज. तो देखा आपने अब एजाज खान किस तरीके से बाबा सिद्दीकी के बेटे को ये कहते नजर आ रहे हैं बदला लो. जी हाँ, अब एजाज ने ये साफ कर दिया है कि बदला लेना चाहिए क्योंकि जो भी हुआ है बाबा सिद्दीकी के साथ वो बिल्कुल सही नहीं है और वो बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा. दरअसल अब से कुछ ही देर पहले एक एजाज खान का वीडियो सामने आया जो कि देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें वो बाबा सिद्दीकी के परिवार को सांत्वना देते नजर आ रहे हैं, उन्हें दिलासा देते नजर आ रहे हैं और बाबा सिद्दीकी के बेटे को हिम्मत देते हुए कह रहे हैं कि बदला लो, अपने पापा की मौत का बदला लो. जी हाँ, ये कहा है एजाज ने. एक बार आप फिर से इस वीडियो को देख और सुन सकते हैं. बाबा सिद्दीकी साहब का इंतकाल हो गया है. अल्लाह उनको जन्नत में आला मकाम दे, उनकी मगफिरत करे और उनके घर वालों को सब्र जमील दे. किसान बी स्ट्रांग एंड टेक रिवेंज. बॉलीवुड सेलेब्स के लिए इफ्तार पार्टी होस्ट करने के लिए मशहूर बाबा सिद्दीकी अब नहीं रहे हैं. उनका निधन हो गया है और उन पर ना तीन आरोपियों ने गोलियां चलाई, ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसके बाद वो इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए. उन्हें आनन फानन में अस्पताल भी लेकर जाया गया था लेकिन उन्हें डॉक्टर्स नहीं बचा पाए. डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया और अब से कुछ ही देर बाद वो सुपुर्दे खाक हो जाएंगे. बॉलीवुड के बड़े बड़े दिग्गज राजनेता उनके घर पर अंतिम विदाई देने के लिए उन्हें लगातार पहुंच रहे हैं. वहीं सलमान खान भी अंतिम दर्शन करने के लिए पहुंचे उनके घर पर. उनकी आंखें भी नम नजर आई तो वहीं सलमान का पूरा परिवार भी बाबा सिद्दीकी के घर पर देखा गया. बता दें आपको कि हर कोई बाबा सिद्दीकी के खबर को सुनकर सदमे में है और कोई भी इस सदमे से बाहर नहीं आ पा रहा है. और अब ऐसे में एजाज खान का गुस्सा भी भड़क गया है और वो भी अब जमकर नाराज नजर आए हैं. और अब एजाज खान ने एक वीडियो के जरिए बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान को बदला लेने की सलाह दी है.